हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्विस सेंस यूट्यूब चैनल का, फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे झारखंड जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी का अपडेट आ चुका है और यहां पे हिंदी पेपर 2 को ऐड किया गया है। तो हिंदी पेपर 2 के लिए अभी तक कोई बुक हमारे पास नहीं था, तो मैंने आपके लिए दो बुक सजेस्ट मैं करना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। पहला है ये हमारे शिवांगन का जेएसएससी पेपर 2 हिंदी, और दूसरा है ये मार्गदर्शन का जेएसएससी पेपर 2 हिंदी। ये मार्गदर्शन हमारा कैरियर फाउंडेशन जिनका रांची में कोचिंग है उनका स्टडी मटेरियल है। तो दोनों बुक का आज हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे, दोनों का प्राइस भी बताएंगे और दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस सारा कुछ पे हम लोग बात करेंगे। तो रिव्यू में लास्ट तक जरूर से बने रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस सर्विस सेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजबल वीडियो रोजाना हमारे चैनल में आते रहते हैं। रोजाना हमारे पास न्यू बुक्स आते रहते हैं जिसका रिव्यू मैं आपके लिए करके देता हूँ। साथ ही बुक चेक करने के लिए 10 से 15 पेज का पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो न्यू बुक्स हमेशा रहेंगे अपडेट, कौन सा एडिशन कब आ रहा है, कब जा रहा है, सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। साथ ही आपके नजदीकी क्षेत्र में ये सारे बुक्स नहीं मिल रही या कोई भी ऐसा बुक है जो आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है तो जरूर से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, कुरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो बुक आपके घर पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हे दोस्तों, तो ये रहा हमारा शिवांगन का जेएसएससी हिंदी पेपर 2, और दूसरी तरफ है हमारे पास हमारे मार्गदर्शन का जेएसएससी पेपर टू। तो ये झारखंड जेएसएससी सीजीएल के लिए है, स्नातक वाला जो हमारा था उसके लिए जो हमारा नया हिंदी पेपर ऐड हुआ है। तो अभी तक हमारे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं था, कोई बुक ले भी रहे थे तो सारे बुक्स तोड़ तोड़ के कोई कहीं से भी अरेंज कर रहे थे। जैसे यहाँ पे हिंदी साहित्य के लिए हमारे डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य रामचरित्र शुक्ला, ये सारे कुछ बुक्स अवेलेबल थे वो मिल रहे थे। तो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक बनाए गए हैं हमारे, एक शिवांगन की तरफ से, दूसरा मार्गदर्शन की तरफ से। तो चलिए पहले हम लोग शिवांगन वाला हमारा देख लेते हैं। तो ये हमारा शिवांगन का जेएसएससी पेपर 2 स्नातक हिंदी। तो अगर आपने खोटा वगैरह या नागपुरी वगैरह कोई भी बुक पेपर 2 के लिए रखे हैं तो उसके भी सिलेबस चेंज हो चुके हैं, नए बुक के अपडेट जैसे आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो उसके लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो दिया गया है, और उसके बाद इसका प्राइस मैंने नहीं बताया ना, 575 रुपीज शिवांगन का प्राइस है जिसपे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही हमारे यहाँ पे लेखक का भी नाम यहाँ दिया गया है, वैद्यनाथ जी। चलिए देखते हैं अंदर से इसका कंटेंट। ये रहा इसका विषय सूची। तो विषय सूची दिया गया है यहाँ पे, भाषा के विभिन्न रूप सारे को, इस भाषा के अंदर जितने टॉपिक थे सबको अंदर में दिखाया गया है। उसके बाद हिंदी साहित्य यानी काव्य पुस्तक कुंज, कहानियां उपन्यास नाटक, हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर रामचरित्र शुक्ला और नगेंद्र दोनों इस बुक में आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही हिंदी व्याकरण जिसमें आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया सारा कुछ जो हिंदी व्याकरण के अंदर आते हैं वो सारा कुछ है। तो ये कंप्लीट पेपर 2 के लिए हमारा गाइड बोल सकते हैं, जिसमें हमें सारा कुछ दिया गया है जो पेपर पढ़ने हैं हिंदी साहित्य काव्य या जो बुक हमें पढ़ना है वो सारा बुक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जैसे कहानियों वाले में मैं एक बार आपको दिखा दूँ, कहानियों में ये राइटर के साथ दिया गया मधुआ, जयशंकर प्रसाद, खमे है ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद, और इसी तरह के बहुत सारे जो कहानियाँ इसमें पढ़ना है वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। चलिए मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया जो हमारा पेपर ऑन भाषा था, भाषा से ऐड किया गया है, शुरू किया गया है, और यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। सारा कुछ यहाँ पे समझाया गया है, थ्योरिकल में है, और उसके बाद हमें प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, और कितने क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। 89 क्वेश्चन हमारे थे पहला चैप्टर से, 89 क्वेश्चन का यहाँ आंसर की एमसीक्यू भी दिया गया है। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, और उसके बाद जो भाषा के अंदर अदर टॉपिक थे वो सारा कुछ यहाँ पे, राज्य भाषा
और इस चैप्टर से भी रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो मैं आपको जो इसका मेन टॉपिक है वो सारा कुछ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इसका कहानी वाला है। उसके लिए हमें जाना है 208 पेज नंबर पे, वहाँ पे देखते हैं किस तरह से जो कहानियाँ को एक्सप्लेन किया गया है। ये आ गया 207 खत्म यहाँ पे, और यहाँ से हमारा जो मधुआ कहानी है स्टार्ट किया गया है, जयशंकर प्रसाद जी के लिखा हुआ 1889 से 1937 तक, और यहाँ पे ये कहानी दिया गया है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है जिसको जिसका सार को समझाया गया है, और शॉर्ट में नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है और इधर से भी आपको सारा कुछ समझाया गया है। और इस चैप्टर से देखिए यहाँ पे वन लाइनर में यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस कहानी से दिए गए हैं 25 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा दूसरा स्टार्ट होता है कहानी ठाकुर का कुआं, यहाँ से भी स्टार्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं दिया गया है, फिर भी आप पढ़ के समझ जाओगे कम कहानी का सार क्या है। उसके बाद वन लाइनर में सारा कुछ दिया गया है, और 25 क्वेश्चन नहीं यहाँ पे 32 क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। तीसरा भी इसी तरह से दिया गया है, सारे को इसी तरह से दिया गया है, कहानी को जरा सा संक्षेप में दिया गया, फिर भी इस तरह से दिया गया है कि हम लोग पूरा कुछ समझ पाए कि कहानी का क्या सार था। तो यहाँ पे सारा पॉइंट वाइज सारा वन लाइनर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये पूरा पैटर्न बुक का है, और एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा नागेंद्र और ये आचार्य रामचरित शुक्ला था। हिंदी साहित्य 282 पेज के बाद, यहाँ क्योंकि पेज नंबर नहीं लिखा गया, 282 पेज के बाद देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचरित शुक्ला, उनका जीवनी परिचय दिया गया है, भाषा शैली वगैरह सारा कुछ यहाँ दिया गया है, और उनके लिखे हुए सारे उपन्यास वगैरह सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो काफी अच्छे से सब कुछ बताया गया है, शॉर्ट में भी इस्तेमाल नहीं किया गया, कंप्लीट जानकारी देते हुए बनाया है, काफी अच्छा इनका स्टडी मटेरियल है, क्योंकि शिवांगन हमारा अपना रांची का प्रकाशन है, इनका स्टडी मटेरियल में कोई डाउट नहीं रहता है, सारा सटीक बनाते हैं। तो अभी तक हमारा आचार्य रामचरित शुक्ला ही चल रहा है, और इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चन है इस बुक में, अभी पॉइंट वाइज सारा वन लाइनर आ रहा है। यहाँ से हमारा आचार्य रामचरित शुक्ला जी के बुक के लिए एमसीक्यू स्टार्ट होता है, जो कि काफी ज्यादा है, कितने दिखा देता हूँ, 306 पार कर रहे हैं हम लोग, 400 भी पार हो गया। तो यहाँ 500 क्वेश्चन दिया गया था आचार्य रामचरित शुक्ला बुक के लिए हिंदी साहित्य के, और उसके बाद यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास नगेंद्र स्टार्ट किया गया, और इसमें भी इसी पैटर्न पे ही दिया गया है। तो ये बिल्कुल से कंप्लीट गाइड है आपके लिए, शिवांगन का JSSC पेपर 2 हिंदी के लिए आपको और कोई बेस्ट बुक नहीं मिलेगा, बिल्कुल से आप इससे लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको MCQ क्वेश्चन भी दिया, आप अलग अलग से लेके पढ़ रहे हो आप, वो बहुत अच्छा कर रहे हो, बट एक जैसे मधुआ ये कहानी था, तो आप उस किताब का कहानी का बुक लेके जरूर से आपने पढ़ लिया होगा, या गोदान प्रेमचंद का पढ़ लिया गया, बट MCQ क्वेश्चन इसमें अलग से दिए गए हैं, आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है इस बुक में, आपको सारा कहानियों वाला बुक एक ही बुक में मिल जाएगा, प्लस उसके MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा, तो बिल्कुल से बहुत ही बेस्ट बुक है। तो इसे एक बार साइड करते हैं, और हमारा ये देख लेते हैं हमारे कैरियर फाउंडेशन मार्गदर्शन वालों का क्या स्टडी मटेरियल है। इसमें राइटर जी आशुतोष जी है, कैरियर फाउंडेशन जिनका रांची में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे भी विशेष सूची 525 रुपए इसका प्राइस है, और 575 शिवांगन में प्राइस है, तो दोनों बुक में
ही डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 25-50 रुपए का कोई अंतर है, उससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ विषय सूची दिया गया है, मैं जरूर से इस पेज को पूरे पीडीएफ में मर्ज कर दूंगा ताकि आप अच्छे से देख पाओ, पढ़ पाओ, समझ पाओ। तो हिंदी साहित्य दिए गए हैं, सारा कुछ दिया गया है, कहानी वगैरह इसमें भी दिया गया, प्रेमचंद कहानियाँ यहाँ पर भी, मधुआ वगैरह, जयशंकर प्रसाद, सारा कुछ सेम है क्योंकि सिलेबस तो हमारा सेम है। और हिंदी साहित्य का इतिहास भी दिया गया है, तो वो भी हम लोग देखेंगे दोनों बुक उसमें है या नहीं। और उसके बाद अच्छी बात इसमें कि इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, कि इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें प्रैक्टिस सेट था या नहीं, एक नज़र में देख लेता हूँ। नहीं, इसमें कोई प्रैक्टिस सेट इस टाइप से नहीं दिया गया है, बट यहाँ तो हर चैप्टर में ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देके प्रैक्टिस कराया गया है, तो अलग से लास्ट में कोई प्रैक्टिस सेट इसमें नहीं है क्योंकि हर चैप्टर में प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट अलग से भी दिया गया है इस बुक में, प्लस पॉइंट देखेंगे। और हर चैप्टर में है या नहीं वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हिंदी भाषा साहित्य स्टार्ट होता पेपर 2, थ्योरिकल समझाया गया है, और इसमें भी एमसीक्यू हर एक चैप्टर में दिया गया है, हर एक टॉपिक में दिया गया है। तो ये बुक को भी हम लोग कुछ कम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा कैरियर फाउंडेशन वालों का स्टडी मटेरियल है, उनका स्टडी एकदम सटीक रहता है। और दूसरा भी यहाँ पे है चैप्टर, इसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए, तो लगभग सारे चैप्टरों में ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और चलिए इसमें मैं आपको कहानी वाला पॉइंट इसमें भी दिखा देता हूँ। कहानियाँ जो हमारा है 246 पेज नंबर पे चलना पड़ेगा, 246 कहानियाँ। कहानियाँ में हमारा मधुआ है, ठाकुर का कुआं, जो कि सेम रहेगा ये क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसे ही है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा, उनका जीवनी के बारे में बताया गया है, लेखक के बारे में थोड़ा समझाया गया है, उसके बाद यहाँ से हमें कहानी का सार समझाया गया है। इतना दिया गया है कि हम कहानी को अच्छे से समझ पाए और उस कहानी से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यानी पैटर्न दोनों बुक में हमें सेम ही मिलता है और दोनों ही 19-20 नहीं कह सकते, दोनों ही 20 है, दोनों ही काफी अच्छी बुक है क्योंकि शिवांगन भी ट्रस्टेड एक प्रकाशन है और हमारा कैरियर फाउंडेशन मार्गदर्शन भी एक ट्रस्टेड, एक काफी अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ प्रकाशन भी चलाते हैं, तो इनका भी स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोनों बुक में कौन सा आपके लिए बेस्ट है ये कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही यहाँ बेस्ट है, आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कोरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से बुक मैं आपके घर भेज दूंगा। तो यहाँ सारा कुछ एमसीक्यू में उसके बाद दिया गया है और इसमें दोनों बुक तो सेम ही है, तो मैं लास्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया वो चलिए आपको दिखाता हूँ। 301 सेट देख लेते हैं किस तरह से दिए गए हैं। तो यहाँ से मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है हमारे हिंदी के लिए और कितने क्वेश्चनों का सेट है, ऐसा 5 सेट हमें देखने को मिल जाएगा जिसमें सारा कुछ मिक्स करके दिया गया है। 100 क्वेश्चनों का सेट है, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद हमारा दूसरा सेट स्टार्ट होता है। तो इस तरह के 5 सेट भी इसमें दिए गए हैं। तो इन दोनों बुक में से कोई भी बुक अगर आपको चाहिए तो जरूर से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, दोनों बुक को आप चेक कर पाओ। उसके लिए मैंने 10-10 पेज का आपके लिए पीडीएफ बनाया है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरा गूगल ड्राइव का लिंक है वहाँ पे क्लिक करके बड़े आसानी से, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे जरूर से व्हाट्सएप करिए। डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये होम डिलीवरी हो जाएगा अगर आपके क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो, और जरूर से आपको कोई भी बुक चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।